साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बेहद खास है। बहुत से लोग चंद्र ग्रहण देखने में काफी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और खंड छाया युक्त, या यूं कहें कि उपछाया चंद्र ग्रहण। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। आइए अब आपको एक एक करके इन तीनों चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और ऐसे में पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। उस समय चंद्रमा पूरी तरह से लाल या ऑरेंज कलर का नजर आता है, और इसी समय ही चंद्रमा पर धब्बे साफ देखे जा सकते हैं। यही आपको बता दें कि ऐसी स्थिति सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनती है। पूर्णिमा को ही पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने की संभावना होती है। इसे सुपर ब्लड मून भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण की। ये तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी पूरी न आकर उसकी छाया चंद्रमा के कुछ हिस्सों पर पड़ती है, यानी पृथ्वी की छाया सूर्य और चंद्रमा के कुछ खंड पर ही पड़ती है। इस ग्रहण का समय ज्यादा लंबा नहीं होता। अब बात करते हैं तीसरे चंद्र ग्रहण की, जिसे खंड छाया युक्त चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसा चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, लेकिन इस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में नहीं होते। इस दौरान पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया, जिसे उपछाया या पिनम्र कहा जाता है, चंद्रमा के बाकी हिस्से पर पड़ती है। यानी चंद्रमा पृथ्वी की छाया से धुंधला नहीं होता और एक प्रकार की उपछाया उपस्थित हो जाती है। ये हमेशा आंशिक चंद्र ग्रहण से ही शुरू होता है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण ही है, जिसे इंग्लिश में पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स कहेंगे। अब चंद्र ग्रहण कोई भी हो, विज्ञान के मुताबिक तो ग्रहण पूरी तरह खगोलीय घटना ही है। हालांकि भारत में किसी भी ग्रहण से धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं।